ग्रीन टाउन के अंदर पत्थर रोड है, एक उमर मस्जिद है, वहां हम फजर के बाद नाजरा पढ़ने जाया करते थे। 85 के इलेक्शन मैंने वहीं ग्रीन टाउन में देखा है। मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन चूंकि बचपन मेरा एक्टिव था तो मुझे 85 का इलेक्शन याद है। और इस पूरे हलके से जो है कमर कुतुबुद्दीन खड़े हुए थे जमात सुन्नत की तरफ से, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे, तो मुझे उनका लैंप भी याद है और उनका वो इलेक्शन मुझे याद है। तो उन्हीं एमएनएज में से एक एमएनए थे उस्मान खान नूरी, उनके लेटर हेड पर मुझे अमजदिया के अंदर दाखिला मिला। अच्छा, वहाँ हाफिज रहमतुल्लाह साहब मरहूम बड़े नेक हमारे उस्ताद थे, उनके पास में हिफ्ज करने के लिए बैठ गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने तकरीबन कोई 2.5 साल के अंदर हिफ्ज कर लिया। अकारी साहब का बड़ा ब्रॉड माइंड तबीयत थी, क्या कहने, अपने पैसे से वो बल्ला खरीद के हमें खिलाते थे, स्विमिंग करते थे हम, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आफिस साहब, उसका फायदा ये होता है कि बच्चा निखर जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे शरारती होते हैं बचपन के अंदर ज़हीन फतीर होते हैं, तो अकान साहब फरमाते थे कि मैं तुम्हारी शरारतों को और तुम्हारी जहानत फतानत को बैलेंस करता हूँ, फिर मैं तुम्हारी जहानत से काम लेता हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज किया वहाँ पर, उनकी निगरानी के अंदर बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। बड़े आदमी थे वो, 1970 के अंदर कराची के MPA रहे वो, और एंटी करप्शन के डायरेक्टर रहे। मुफ्ती आजम आगरा, मुफ्ती अब्दुल हफीज हक्कानी रहमतुल्लाह ताला के वो बेटे थे। बड़ी नफीस तबीयत और बड़ा नफीस, यानी मुकम्मल शख्सियत थे, बहुत कंप्लीट किस्म की शख्सियत। क्या बात है। आप ये समझिए कि मेरी बचपन के उठान के अंदर और तरबियत के अंदर और ये जो चीजें थोड़ी भकारी सबको देख देख के आई। वाह, ये आइडियल पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में उस वक्त। बहुत सर, हम उनको देखते थे, उनके हर चीज को देखते थे। अच्छा, दूसरा ये है कि बचपन से फिर उन्होंने गैरत सिखाई, हमीयत सिखाई, खुददारी सिखाई। हक्कानी साहब ने हमारे सामने एक गैरत व हमीयत का हमें सबक दिया और सबक सिखाया। फारसी बार कहता है कि बच्चा ऐसा है कि जैसे कोई इमारत बनाने वाला मैमार जो है वो पहली ईंट सीधी लगा दे, सारी इमारत सीधी जाए। ऐसा ही, और पहली ईंट अगर टेढ़ी हो गई, फारसी बार कहता है खिश्त अव्वल चू नहाद मैमार कच दौरैया मी रवत दीवार कच, पहली ईंट टेढ़ी होगी तो सारी दीवार औजे सुरैया तक टेढ़ी जाएगी। हमारी पहली दीवार रखने वाले, ईंट रखने वाले अलम हसर अकारी साहब।